क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ में एक सीनियर ऑफिसर बैठा है और तुम पहले खा रहे हो। इमरजेंसी, कोई यहाँ पर अभी इसी वक्त आओ। मिसेस मंसन, आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। हमारी यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पुलिस की मीटिंग चल रही है। पुलिस को भी खाना होता है। इससे पहले कि मैं फायर डिपार्टमेंट या आर्मी को यहाँ पर बुलाऊं, तुम लोग यहाँ पर पहुँच जाओ। ओ, चलो चले। लेमन जेली माय फेवरेट। दिस इज कार 12, हमें बैकअप चाहिए कुछ 10 या फिर 10 या फिर कम लोगों के लिए। तुम किससे बात कर रहे थे? जिस ऑफिस में तुमने कॉल किया वहाँ आज कोई भी नहीं है। रुक जाओ, ये तो वही PBB है, पागल बिल्ला बच्चा, जिसका नाम है बर्टन बर्गर। क्या हुआ ऑफिसर हफलमैन? आखिर बात क्या है? मैं बताती हूँ क्या बात है। मेरे बागीचे को देखो, अब तो इन बदमाशों को तुरंत जेल में डालना ही पड़ेगा। क्या? कौन? वो मैं नहीं था डैड। चलो बच्चों, हमें बताओ कि क्या हुआ यहाँ। ओके ओके, एक एक करके। मेरी बहन का कैट कैट नहीं, वो एक बदमाश शैतानी बिल्ला है जो पृथ्वी पर राज करना चाहता है। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। कूप, इन दोनों पुलिस वालों को हमारे कैट की कहानी नहीं सुननी है। जेनिस, तुम एक समझदार बच्चे हो, अपनी ये ऊटपटांग बातें छोड़ो और हमें सच सच बताओ क्या हुआ। ओ, बात ये है कि कूप पेपर बांटने में मेरी मदद कर रहा था और उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे थे। ये पैम्फलेट्स पढ़कर सबको यकीन हो जाएगा कि मैं कोई पागल बच्चा नहीं हूँ और वो बिल्ला बिल्ला नहीं बल्कि बदमाश है। पता नहीं कूप, पर जो हम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वो सही है। क्या वाकई? तब तुम्हारा क्या कहना है इस एलियन हमले के बारे में? हाँ, अचानक हमें लगा कि हमारे अलावा वहाँ और कोई भी है। वो क्या था? हमें चलना चाहिए। वो क्या था? ये बात तो पक्की है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। बहुत हो गई है बकवास, और कितनी देर तक इसकी ये कहानी सुननी पड़ेगी? जल्द से जल्द इन सब बदमाशों को हमेशा के लिए जेल में डाल दो। बात को गोल गोल मत घुमाओ। वैसे वहाँ इतना कोहरा था कि पेपर भी नहीं दिखाई दे रहे थे और चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये सच है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग मिस्टर चिपकी। चलो, कोई तो मिला। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि बस बहुत हुआ। इस एरिया के सारे लोगों को तुम्हारे घर से पेपर्स कलेक्ट करने को कहते हैं। नहीं, मैंने कसम खाई है कि चाहे तूफान हो, बारिश हो या आंधी हो, पेपर तुम्हें पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है डेनिस। वो ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये पेपर्स डिलीवर हो। पता है डेनिस वो हमारा पीछा कर रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बुरा है। डेनिस, पकड़े रहो। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं सही था। ये बात तो पक्की है कि ये बिल्ला एलियन है। ये तो बहुत गुस्से में लगता है। एक बार कह दो कि ये अच्छे एलियंस है। डेनिस, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही सब हुआ था? ये सच है, एक कैप्टन ब्लास्टरॉइड कमांडो कभी झूठ नहीं बोलता। ये और ये भी एक सच है कि मैं उस कैट से बिल्कुल नहीं डरता। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे सपने में हुआ होगा।
हमारे पास सच्ची कहानी है। हाँ ली दिखाओ इनको। जी हाँ हमारे पास सबूत भी है, अब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। मैं हूँ केचुआ, एक खतरनाक कीड़ा, मुझसे डरो और दुम दबा कर भाग जाओ यहाँ से। समझ में आया? समझ गया भाई। चलो अभी कैसा सीन शूट करते हैं जहाँ राक्षस लुटेरों के साथ लड़ता है। अब होगी लुटेरों की लड़ाई। वो क्या था? हाँ मैं हूँ इस दुनिया का सबसे पहला इंसान जो आज की कॉमिक सबसे पहले पढ़ेगा। लगता है किसी को मुझसे पहले पढ़नी है। आउच। एलियंस। और छोड़ो भी। फिर क्या हुआ? वक्त बर्बाद मत करो। वो हर गली में हर रास्ते के हर अखबार पर हमला कर रहा था और फिर वो इस सारे शहर के पेपर खा गया। उनके पास तो राक्षसी ट्रक है। राक्षसी ट्रक? क्या मतलब? खुद ही देख लो। हम भागे पर ज्यादा दूर तक नहीं। हाय, हमें एलियंस ने किडनैप कर लिया। मजा आ गया। हम तुम्हें अपने लीडर के पास ले चलेंगे। क्या मॉम अब तक उठ गई होंगी? तो देखा, हम दोनों थे उस एलियन स्पेस क्रैश वाली जगह पर। तो क्या हमें ये अंतरिक्ष के रोमांच और पृथ्वी पे आए हुए एलियंस के साथ दोस्ती के लिए नाम नहीं मिलेगा? नहीं, हमें सिर्फ नाम नहीं, हमें नाम भी मिलना चाहिए। तुम्हारा स्वागत है एलियन दोस्त। अरे तुम किधर जा रहे हो? तो ये रहा ऑफिसर हमारा वीडियो सबूत। इस वीडियो में तो बस ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे मिलकर सिर्फ चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। और हमें सिर्फ सच सुनना है। ठीक है, पर क्या आप कड़वा सच सुन पाएंगे? हाँ सुन पाएंगे, और कैट वाली बकवास मत करना। ये कोई कैट के बारे में नहीं है। ये तो शातिर दिमाग वाले शैतानी बिल्ले जैसे खलनायक के बारे में है। मैं उस इविल डॉक्टर कैट के हेडक्वार्टर तक जा पहुँचा। इससे पहले कि वो दुनिया पर हमला करे, मुझे उसे किसी न किसी तरह रोकना ही था। एजेंट कूप कभी नहीं रोक पाएगा मेरे खतरनाक शैतानी चालों को। मैं आपको वैसी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ। मेरे सैनिक बिल्ले पूरी दुनिया पर कब्जा करके इंसानों को गुलाम बना लेंगे। जल्द ही दुनिया मेरे कब्जे में होगी जिस पर मैं राज करूंगा। एजेंट कूप, तुम्हारा भांडा फूट गया भद्दे गंजे बिल्ले। कोई डॉक्टर कैट के साथ इस तरह बात नहीं करता। बिली, आइडिया। थैंक्स बिली, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। वो वापस लाओ। आगे बढ़ो डेनिस। जैसे ही हम ये प्लान दुनिया के सामने रख देंगे, सबको बिल्ले की असलियत पता चल जाएगी। देखो पीछे कौन है। माफ करना, गलत बटन था। ये लो। रुक जाओ कैट, हिफाजत सबसे पहले। लगता है कि तुमने सीट। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। हिम्मत तो आगे आओ। क्या हम तुम्हारे बागीचे में खोद सकते हैं? हमें मूवी के लिए और केचुए चाहिए। खैर अब सारी बातें साफ हो गई हैं, है ना? बस इतना ही। तुम्हारी मूवी में मेरा काम सिर्फ बाइक चलाने का था और डराने का था, और तुम्हारी मूवी में मेरा काम सिर्फ रोतलू बच्चे का था। ये दोनों कहानियाँ ही बकवास थी। कम से कम हमारी कहानी में राक्षसी ट्रक तो था। अच्छा तो इस पूरे इलाके में हलचल इसीलिए मची हुई है क्योंकि कुछ 10 साल के नादान बच्चे इस दुनिया को एक चालाक बिल्ले से बचा रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम लोग आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। हम तुम लोगों को एक वार्निंग और टिकट देके छोड़ देंगे, जो है साइडवॉक स्वीपर के इलीगल पार्किंग के लिए। क्या किसी ने साइडवॉक स्वीपर देखा है? कॉफी ब्रेक में मैं उसकी इमरजेंसी ब्रेक लगाना भूल गया था। क्या मैंने साइडवॉक स्वीपर कहा? मेरा मतलब बाइसिकल था। हो गया, ये बच्चे तो बदमाशों की पूरी टीम है। सब तरफ गंदगी फैलाना, मेरे नादान पुतलों और कीड़े मकोड़ों को डराना ही इनका काम है। शांत रहिए मिसेस मानसन, किसी को चोट नहीं लगी है। तुम लोगों को जाकर अब थोड़ा सो जाना चाहिए। सही कहा,
फिर कूप को बागीचे के पुतलों को भी तो जोड़ना है। ठीक है, हमें बिल्ली की शैतानी चाल सबको बतानी होगी। कल हम फिर कोशिश करेंगे इसी वक्त। ठीक है, जाओ और फिर से नाश्ता करो। मुझे पता था कि मुझे आर्मी ही बुलानी चाहिए थी। लेकिन वहाँ हुआ क्या था? अब ये सब सोचना बंद कर दो तुम। कैट बॉय जो भी करता है उसका कोई मतलब नहीं होता। गया होगा और आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। अरे नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ मिली। मिस्टर कैट यहीं कहीं गया होगा, फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएगा। पार्टी रखी और ये उसका इनविटेशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें मेरे खास मेहमान बनकर जरूर आओ। ओह वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा फीबी। पर सॉरी, आज तो मुझे डैड को बगीचे में मदद करनी है। उप्स। ओह आखिरकार, मैं इसका कब से इंतजार कर रही थी। थैंक्स फीबी, तुम ही आ सकती हो मिली। अंकल बटनबर्गर, प्लीज 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 कूप को मेरी पार्टी में आने दीजिए। आपको पता है वो मेरा बहुत ही खासम खास मेहमान है, पर वो कह रहा है कि आज उसे बगीचे में बहुत काम करना है। वो आखिर कहना क्या चाहता है? मेरा बगीचा तो बहुत अच्छा है। चलो फीबी, उसी से चलकर बात करते हैं। डैड, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। वो शायद यहाँ पर हो। कूप, तुम ये बगीचे के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें फीबी की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। मेरे बगीचे का काम कहा था? मेरा मतलब होमवर्क था। डेनिस सर, मुझे स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है, बाय। ये वो अपना स्कूल का काम बहुत सीरियस होकर करता है। तुम यहाँ कितनी देर छुपने वाले हो कूप? जब तक पीपी की पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बढ़िया। हे, तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ नहीं। तो तुम यहाँ पर हो। मिली, मिस्टर कैट ठीक ठाक वापस आ गया है। चलो सर्कस सर्कस खेलें। खैर, अगर मैं कैट होता तो मैं भी इसी तरह गायब हो जाता। मिस्टर कैट, तो तुम यहाँ हो। हेलो, अब देखो मेरा हवाईयन डांस। अब ये कहाँ चला गया होगा? हाँ।
बिल्ली है। क्या चोर बिल्ली? क्या क्या कह रही है, उसने क्या चुराया? तो सुनो, रैपिंग पेपर, टॉयलेट पेपर, हेयर क्लिप्स, उसने ऊन के गोले भी चुराए और उसने मेरे मनपसंद फूलों वाला गमला भी चुरा लिया। डेनिस, ये निपिटा किटारिया क्या है? वो एक बेहोशी की दवा है। बेहोशी वाला पौधा? मंसन आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो वाकई चोर बिल्ली है और इस बार हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। सॉरी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे अपने डैड के साथ बागीचे में थोड़ा काम है, तो हम बाद में मिलते हैं। मगर बगीचे का काम है, ये तो मेरा बहाना है। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम अभी भी मेरी पार्टी में आ सकते हो। सॉरी, मुझे अपनी सॉक्स को इस्त्री करनी है। बाय बाय। उससे दूर रहना होगा। निपिटा कटारिया? अच्छा, तो तुम ही वो चोर बिल्ली हो, मुझे पता था। तुमने ये फूल क्यों चुराए हैं? तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ये है? खूब देखा, मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। मैं फीबी के घर पहुंच गया। नहीं है तुम्हारा खासम खास मेहमान? हाँ, यही तो है, मुझे खुशी हुई कि तुम आए। लॉन, हार्ली, डेनिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इनविटेशन पर लिखा था केक भी मिलेगा। हाँ, लेकिन हमें फीबी के खास मेहमान के आने तक रुकना भी पड़ा। तुम बहुत देर से आए हो बटन बर्गर। तुम भी खाओगे? और एक पिंक पेपरमिंट मिल्क शेक खास तुम्हारे लिए। हाँ, छोटे बच्चे। यहाँ बैठो कुकी पाई, मैं तुम्हारे लिए एक और मिल्क शेक लाती हूँ, तब तक कुकी खाओ। तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो? और वो मुझे दो। हेलो मिस्टर कैट, तुम यहाँ हो? तुम ऐसे गायब मत हो जाया करो। लो, ये मिल्क शेक पियो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कुकीज लेकर आती हूँ। मेरे लिए? थैंक यू कुपी वुपी। और ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं तुम्हारे लिए लाई थी, मतलब तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी बदमाशी अभी इसी वक्त खत्म होती है। खूब, तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम मुझे पसंद करते हो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। बस बहुत हुआ, मैं हमेशा के लिए इस मशीन को बर्बाद कर दूंगा। दोनों वहीं रुक जाओ, हिलने मत, उन्हें पकड़ कर लाओ। समझ गया, ये तो मुझे ही करना होगा। अब तुम उस स्वीटर कैंडीज के साथ क्या करने वाले हो? ये तो वही चोर बिल्ली है। चोर बिल्ली, कोई देख तो नहीं रहा? वो चोर बिल्ली तुम्हारे गैराज में है। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता, पर ऐसे रह भी नहीं सकता। जल्दी करो बाटी बागा। क्या बात है दादी? तुम घर में वापस जाओ मिली। हाँ?
की वजह से वो चोर बिल्ली भाग गया होगा। आओ चले ग्राउलर, चलो चलकर उसे ढूंढे। वो फीबी की पार्टी से बचने के लिए मेरी वर्कशॉप खराब करना जरूरी था, बताओ मुझे, बोलो। वो डैड, मैं फीबी की पार्टी में गया था और वो भी कई बार। क्या सच? खैर फिर तो तुम्हें काफी सजा मिल ही चुकी है, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा ठीक कर लेंगे।